Debjani Creations tutorial. आज मैं सिखाऊंगी कैट. कैट बनाने के लिए मैंने लिए हैं मीडियम फर. कैट व्हाइट में बनाएंगे, ब्राउन में भी बना सकते हैं. तो लाइट ब्राउन जैसे कैट का कलर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे भी हो, मैंने व्हाइट कलर का मीडियम फर लिए हैं और व्हाइट चाइनीज फर. और पैटर्न, कैट के लिए पैटर्न चाहिए. स्टफिंग के लिए कॉटन, दो आईज, एक नोज, थ्रेड नीडल, मार्कर पेन और पिन और काटने के लिए सीजर. पहले मैं कैट की ड्राइंग में लिख लूँगी कौन सा कपड़े में, पार्ट में कौन सा कपड़े से बनाना पड़ेगा. दो टाइप का मेरे पास वाइट कपड़ा है, एक मीडियम फर एक चाइनीज फर. तो पैटर्न में मैं लिख लूँगी कि फर में कौन सा पार्ट होगा और चाइनीज फर में कौन सा पार्ट होगा. ये है कैट का बॉडी का लोअर पोर्शन, ये वन पार्ट वाइट चाइना. ये है टेल, ये फर में होगा इसलिए मैंने इसमें एरो दिए हैं. ये होगा वन पार्ट टेल, वाइट मीडियम. ये बॉडी का साइड पार्ट वन पार्ट होगा. ये साइड करके बैठे हैं इसलिए दो साइड का पार्ट अलग होता है. ये है वन पार्ट बॉडी साइड वाइट मीडियम. और ये दूसरा साइड, इसमें भी एरो. ये होगा वन पार्ट बॉडी साइड वाइट मीडियम. ये जो स्टार मार्क्स किए क्यों किए इसका भी मैं बताऊंगी. इस टाइगर कैट ये ड्राइंग में थोड़ा अलग है, मैं दिखा देती हूँ. पहले लिख लेती हूँ. ये हेड साइड है, टू पार्ट हेड साइड. ये वाइट मीडियम. ये हेड बैक पार्ट, टू पार्ट हेड बैक वाइट मीडियम. ये ईयर्स पार्ट है, फोर पार्ट होगा. फोर पार्ट ईयर्स, टू वाइट मीडियम, टू वाइट चाइना. स्नाउट पार्ट है वन पार्ट वाइट चाइना. अभी ये जो पार्ट है इसको हम ड्राइंग कर लेंगे. ये जो पार्ट है इसमें एक स्टार दिया हुआ है और वन पार्ट लिखा है. इसका मतलब है ये जो पार्ट हम ड्राइंग करेंगे, एरो का मतलब है फर का डायरेक्शन. ऐसे करके हम लोग देख लेंगे. मेरा पहले जो टेडी बियर का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कैसे फर का ड्राइंग करके हम लोग काटते हैं. उसमें पूरा दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ. फर का डायरेक्शन देख के हम लोग एरो लगाते हैं. ये है एरो. वन पार्ट का मतलब ए पार्ट, ए पार्ट नहीं होगा वन पार्ट. और स्टार का मतलब ये पार्ट हम ऐसे करके नहीं ड्राइंग कर सकते, ए पार्ट में ही हम ड्राइंग करेंगे. इसका जब ऐसे करेंगे ये पूरा खराब हो जाएगा, कपड़ा जॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये ए पार्ट बी पार्ट का पार्ट है. जैसे ये पार्ट जो है ये बॉडी का दूसरा पार्ट है. ये पार्ट ए भी वन पार्ट वाइट मीडियम है, इसका भी वन पार्ट काटेगा. तो ये दो ऐसे जॉइंट होगा, इसलिए
ए पार्ट इसका, इसका ए पार्ट चाहिए, बी पार्ट करने से ये ऐसे करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जॉइंट नहीं होएगा, इसलिए स्टार मार्क्स दिया है, इसको ऑपोजिट नहीं होगा। तो ड्राइंग करके दिखा देते हैं, ये जो पार्ट है ये वन पार्ट ए पार्ट की तरफ ही ड्राइंग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, जगह ऐसा हो सकता है जी ड्राइंग करते करते जगह रह गया तो ये बैठा लेते, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे करके इसको ड्राइंग करना है, ऐसे करके इसको ड्राइंग करेंगे। स्टार ऊपर जहाँ पे स्टार लिखा है उसमें आप ए पार्ट करना है, ऑपोजिट में करने करना है, इसलिए गलती ना हो जाए इसलिए हमने स्टार दिए हैं, जहाँ जहाँ पे स्टार दिए, जैसे ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ये टू पार्ट होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, ये वन पार्ट है इसलिए हमको ये ख्याल रख के करना पड़ेगा। अच्छा, इसका भी ए पार्ट है, यहाँ पे ड्राइंग करना है, टेल का भी वन पार्ट है, इसको भी ऐसे करके ड्राइंग करेंगे, और ये टू पार्ट है, ये ऐसे ऐसे ए बी, ये टू पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट, दो तरफ इसका ड्राइंग होगा। ये फोर पार्ट है, इसमें दो वाइट में, दो वाइट में दो चाइनीज बार में होगा, ऐसे करके पूरा कपड़ा हम ड्राइंग कर लेंगे, इसका भी ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट, ऐसे करके हम सब ड्राइंग कर लेते हैं। ईयर्स जॉइंट करेंगे, टू पार्ट फर और टू पार्ट चाइनीज में, ये जो वाइट चाइनीज फर और फर दोनों लेके जो ईयर्स बन रहा है, फर को अंदर ऐसे डाल के इसको सिलाई करना है, फर को अंदर डाल के सिलाई करना है, नहीं तो ये फर चिपक जाएगा, इसको भी ऐसे डाल के ऐसे ऐसे करके सिलाई करना, ये खुला रहेगा सीधा करने के लिए, सेम इसका भी ऐसे सिलाई होगा, ये खुला छोड़ना है सीधा करने के लिए, ये हो गया ईयर्स। अच्छा, अभी ये बॉडी का पार्ट, बॉडी में भी स्टार मार्क्स है, बॉडी को ऐसे ड्राइंग किए हैं, ड्राइंग करके काटें। अच्छा, इसका वन पार्ट और ये बॉडी का दो पार्ट है जो फर में काटे हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अच्छा, अभी कैसे करेंगे दिखाते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे करके इसको जॉइंट करेंगे, यहाँ से लेंगे, ये जो पार्ट है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, सेम यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे टू आएगा, टू यहाँ पे, थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हो गया वन टू थ्री, यहाँ पे फोर आएगा, फाइव सिक्स, इसको यहीं से जॉइंट करेंगे, ऐसे लेंगे
ये ऐसे ऐसे करके इसको यहाँ तक जॉइंट होगा. सेम इधर 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 और ये इधर ऐसे करके दो पार्ट जॉइंट होगा. अभी इसमें जॉइंट करेंगे. ये जी 1 यहाँ तक 1, 2, 3, 4 यहाँ तक 5 यहाँ तक आएगा 6 ऐसे करके इस साइड दूसरा साइड ऐसे करके जॉइंट करेंगे. अच्छा ये जॉइंट करने के बाद 10 और 6 ये जो जगह रहेगा यहाँ तक 6 आएगा यहाँ तक 10 ये जो यहाँ से यहाँ तक खुला रहेगा यहाँ पे टेल टेल लगाएंगे. ये टेल टेल का मिडिल पार्ट आएगा मतलब 11, 12, 12 ऐसे करके टेल लगेगा. और ये जो बॉडी का ऊपर पट है ये दो जॉइंट होगा. टेन यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 ये जो पार्ट है यहाँ पे ये टेल लगाएंगे. टेल को ऐसे करके इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे. फोल्ड करने के बाद ये जो पीछे का पार्ट है ये दो पार्ट जॉइंट हो जाएगा. बहुत इजी है बनाइए. बनाते वक्त देखिएगा और भी इजी लगेगा. अच्छा ये है मिडिल पार्ट हेड पार्ट यहाँ पे दो पार्ट जॉइंट होगा. जॉइंट होगा और यहाँ पे ईयर्स लगाएंगे. यहाँ पे जैसे टेडी का ईयर्स लगाते हैं यहाँ पे ईयर्स लगाएंगे ऐसे करके. और बैक पार्ट लगाएंगे. बैक पार्ट ये है आप लोग जब बनाएंगे. मेरा टेडी पानी टेडी एक है उसको एक बार फॉलो कीजिए. बहुत इजी रहेगा. और वो एक बार फॉलो कीजिए कटिंग स्टिचिंग देख के आपको ये बहुत इजी लगेगा. ये पार्ट है हेड का बैक पार्ट. इसको यहाँ से ये ईयर्स रहेगा दो ईयर्स रहेगा. इसको पूरा ऐसे ऐसे करके सिलाई कर लेंगे. और यहाँ पे नोज का जो पार्ट है दो डार्ट सिलाई होगा इधर और इधर. डार्ट सिलाई करके इसको
यहाँ पे लगा देंगे। एकदम टेडी बियर जैसे बनता है ये, इसका फेस वही सेम ही है। ये सिलाई करके मैं दिखा देती हूँ कैसे। ऐसे करके सिलाई कर लिए हैं, अभी ये टेल को सीधा करना है ऐसे करके। इसको सीधा कर लेंगे। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं, और नया वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये सीधा हो गया बॉडी, और ये है हेड पार्ट। हेड पार्ट में इसका आईज यहाँ पे, यहाँ पे आईज, और स्नाउट का जो पार्ट है इसमें नोज लगाएंगे। ये रेड आईज भी लगा सकते हैं, ब्लू आईज लगा सकते हैं। इस तरह का इसका नोज होगा, यहाँ पे लगाएंगे। अभी इसमें कॉटन डालेंगे। पहले ये स्नाउट में कॉटन डालेंगे। फिर हेड में कॉटन डालेंगे। ऐसे करके पूरा बॉडी में, सर में कॉटन डाल के इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। बॉडी और हेड में कॉटन डाल लिए, अभी इसको जॉइंट करेंगे ऐसे। जिस साइड में दो पैर है उस साइड इसका फेस लगाएंगे। एक साइड में एक पैर है, एक साइड में दो पैर है। दो पैर जिस साइड में उस साइड में ये हेड पार्ट लगाएंगे। बॉडी से जब हम ये सिलाई करते हैं धागा थोड़ा हार्ड लेना चाहिए। जींस थ्रेड मिलता है, थोड़ा हार्ड धागा लेने से टूटता नहीं है। किसको इसको ये धागा से
गले में बेल बन सकते हैं, रिबन बना लगा सकते हैं, जो आपके पास है वो लगा सकते हैं। आज का बन गया कैट। नया वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट कीजिए कैसे लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बोलिए।